सीहोर की बात करेंगे। विधानसभा निर्वाचन के तहत प्रदेश के साथ ही जिले में भी 17 नवंबर यानी कि कल मतदान होगा। ऐसे में सीहोर जिले में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले की चारों विधानसभा में मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 1238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें बुधनी में 363, आष्टा में 335, इछावर में 275 और सीहोर में 265 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर सिंह ने बताया कि कुल 6206 कर्मचारी मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि मतदान कराने वाले कर्मचारियों में 4719 पुरुष और 1487 महिला कर्मचारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 327 माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान केंद्रों पर नजर बनाए रखेंगे। विधानसभा निर्वाचन 2023 की पूरी तैयारियां हो चुकी है। कल जिले में 9,97,000 से अधिक मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे जिले में जो इस मतदान को करने के लिए लगभग 6,000 से ज़्यादा हमारे पोलिंग पार्टीज के लोग हैं और मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लगभग 10,000 कर्मचारी चुनाव को संपन्न कराएंगे। पूरे जिले को 129 सेक्टर में बांटा गया है, जहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के सेक्टर मोबाइल लगातार भ्रमण करेंगे। 307 क्रिटिकल केंद्र है और 17 वल्नरेबल केंद्र है, जहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने करी है। जिले के 1238 मतदान केंद्रों में से 60% मतदान केंद्र वहाँ पर CCTV कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ पर वेबकास्टिंग हो रही है, लाइव हम लोग देख रहे हैं वहाँ मतदान केंद्र पर क्या चल रहा है। तो पूरे जिले में हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएँ कर ली। आज ये जो सामग्री का वितरण यहाँ पर पूरे जिले में 3 जगह से हो रहा है।